नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के गंज बासुदा से। यहाँ पिछले 8 दिनों से मंडी पूरी तरह से बंद थी। इस दौरान मंडी समिति ने SDM के आदेश पर जयेश ब्रदर्स की दुकान को सील कर दिया। क्षेत्रीय विधायक लीना जैन और अनाज व्यापार संघ के व्यापारियों ने मंडी से लेकर तहसील परिसर तक रैली निकालकर SDM कार्यालय के सामने धरना दिया। हमारे संवाददाता से बात करते हुए लीना जैन ने कहा कि मंडी समिति और प्रशासन को मंडी परिसर से अतिक्रमण हटाना है तो उसके साथ साथ शहर में फैला अतिक्रमण भी हटाना चाहिए। वहीं जयेश ब्रदर्स के संचालक ने कहा कि जब उसकी दुकान को सील किया गया तो उसे किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। गंज बासुदा से इंडिया खबर लाइव के लिए LN चौबे के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट। मंडी में वैसे तो मंडी बंद है, पिछले कुछ दिनों से मंडी में कोई काम नहीं हो रहा, बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है। इसके बाद आज एक व्यापारी के ताले को सील किया गया। ये एक द्वेषपूर्ण कार्रवाई थी क्योंकि कोई भी उपस्थित नहीं था, व्यापारी भी नहीं है यहाँ पे, और मंडी के सेक्रेटरी साहब भी आज बासुदा में विदिशा में, और उन्होंने इस तरीके की द्वेषपूर्ण कार्रवाई करी। उसके खिलाफ आज हम सब व्यापारी भारतीय जनता पार्टी एक साथ उतरी है। मंडी की प्रतिष्ठित फर्म जयेश ब्रदर्स को कुछ दिन पहले नोटिस और मशीन का अतिक्रमण का नोटिस दिया गया मंडी प्रशासन द्वारा। शुक्रवार को उसमें से हमारी मंडी सचिव से बात हुई, उनने हमको आश्वासन दिया कि तहसीलदार महोदय के द्वारा जब तक सीमांकन नहीं हो जाएगा जब तक कोई अगली कार्रवाई नहीं होगी।